जानकारी मिल रही है 11वीं जेपीएससी परीक्षा का पेपर लीक। उपेंद्रनाथ वर्मा इंटर कॉलेज सेंटर पर हंगामा। परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर आरोप लग रहे हैं। प्रिंसिपल चैंबर में प्रश्न पत्र खोलने का आरोप लगा है। परीक्षा से पहले क्लास की बजाय प्रिंसिपल चैंबर में प्रश्न पत्र खोलने का छात्रों ने आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कहा जा रहा है कि जेपीएससी परीक्षा का पेपर लीक किया गया है। देखिए, आपको बताते चले कि जिस तरीके से अचानक यह जो खबर सामने आई है, अभी कुछ ही वक्त पहले जो है जो तमाम अभ्यर्थी है वो परीक्षा केंद्र में घुसे। विद्यार्थियों का जो आरोप है कि परीक्षा के जो क्लासरूम है वहां खोलने के बजाय जो है प्रिंसिपल चेंबर में प्रश्न पत्र को खोला गया, जिसको लेकर जो है चतरा के उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज में जो तमाम जो छात्री अंदर गए हुए थे सभी बाहर निकलकर विरोध करना शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर जो है वहीं दूसरी तरफ अगर इस पूरी मामले पर अगर हम बात कर ले तो जो महाविद्यालय के प्रिंसिपल है उनका कहना है कि यह कंट्रोल रूम में जो है परीक्षा की अवधि के नियमानुसार ही खोला गया है, लेकिन जो लगातार यह हंगामा हो रही है एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है कि जिस तरीके से बीपीएससी के एग्जाम को लेकर परीक्षा को लेकर जो है वो क्वेश्चन लीक हुआ था, अब जो है जेपीएससी को भी लेकर जो है सूत्र के हवाले से यह खबर आ रही है कि अब लीक हो गया। अब देखना यह होगा कि आगे जो है विभाग क्या कुछ कार्रवाई करती है और आगे यह जो परीक्षा ली जा रही है जेपीएससी परीक्षा उसको लेकर जो है आगे का कार्रवाई क्या कुछ हो पाता है। जी बिल्कुल सुशांत, तो ये एक गंभीर मुद्दा है पेपर लीक का, लेकिन प्रिंसिपल और जो अधिकारी है वहां पर जो कि पेपर का ध्यान रखते हैं परीक्षा से पहले ना खोले जाए, उन लोगों का क्या कहना है इस मामले पर? देखिए, इस मामले पर जो है लीक की तो बात जो है सूत्र के हवाले से आ ही रही, लेकिन मेन जो यहाँ पर मुद्दा जो सामने आ रहा है, जो बात सामने आ रही है, क्वेश्चन पेपर सील मामले में आ रही है। विद्यार्थियों का आरोप है कि उनके क्लासरूम में ना खोलकर जो चेंबर जो प्रिंसिपल चेंबर है वहां पर प्रश्न पत्र को जो है वो खोला गया, लेकिन अब यह जो है पूरी जो वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया जो भी होगी उसके बाद ही यह कहा जा सकता है कि आखिर जो मामला था वो क्या हुआ था, क्या यह पहले से ही जो है सील जो है वो टूटे हुए थे या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान जो है उसे तोड़ा गया था, यह तो जो है एक जांच का विषय है। जी ठीक है सुशांत, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।